मैं हूं आपका मेजबान काशान अख्तर और आप देख रहे हैं कैम टीवी। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं फेमस यूट्यूबर जवार आवान साहब, वसीम मोटर्स के ओनर भी हैं और इनके दो चैनल भी हैं, जवार मोटर्स और जवार ट्रैक्टर्स। इनसे हम आज बात करते हैं कि इनका क्या राज है, जो ये बात वीडियो में कहते हैं गाड़ियों में वही आती है और लोग इनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि इन्हीं की वीडियो से मुतासर होकर गाड़ियां भी इन्हीं से आके खरीदते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जवाब भाई कैसे हैं? ठीक है, हमें बताइएगा कि लोग आपकी वीडियो में इतना क्यों मुतासर है वीडियो देखते हुए कि आपसे ही गाड़ियां खरीदते हैं और आपकी जो वेबसाइट है zawarmotors.com उस पे जो है अपना ऐड लगाते हैं और गाड़ी फौरन ही सेल हो जाती है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मुझे नहीं पता था कि लोग मुझ पर इतना ट्रस्ट करेंगे, बिलीव नहीं। तो सबसे पहले मैंने 2017 में जब चैनल क्रिएट किया था प्रॉपर भारत, तो खैर उस पर मैंने 2018 के मिड में किया था। और मेरी वीडियोस बनाने का सर मकसद ये था, अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम पैदा हुए एक ऐसे खानदान में, जमींदार फैमिली में, और साथ में गाड़ियों के हाजी दस्तार भाई है, वो बड़े शौकीन है, नसीम के अबू है, तो गाड़ियों के शौकीन थे। तो गाड़ियों को जाहिर है हम भी देखते थे और मेरे ना एक सीक्रेट होते थे कि गाड़ी का रिपेंट कैसे चेक करते हैं, गाड़ी एक्सीडेंटल है या नॉन एक्सीडेंटल है। तो ये चीजें जो थी ना मेरे अंदर एक जज्बा था कि मैं लोगों को बताऊं, ताकि लोग अगर गाड़ी खरीदने मार्केट में जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में बड़े धोखे होते हैं यार, इस्तेमाल शुदा गाड़ी का ज्यादा होता है यहाँ पर पाकिस्तान में, जो है लोग ज्यादा यूज गाड़ी का लेन देन करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस वीडियो से लोगों को इतना ज्यादा फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे 8 लाख फॉलोअर है। 8 लाख एक चैनल पे फॉलोअर, दूसरे चैनल पे कितने फॉलोअर जो जवार ट्रैक्टर्स के नाम से? पहले मैं ना ट्रैक्टर्स की और कार्स की वीडियो एक ही चैनल पे अपलोड करता था, लेकिन फिर कार्स लवर्स को जो जहर है एक बिग सिटी में लाहौर में हमने देखा कि इसको ट्रैक्टर का नहीं पता, तो वो कार के बारे में पूछेगा ना, वो कमेंट करते थे जवार भाई बड़ा अजीब लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्रैक्टर का चैनल बना लूं। तो एक साल हुआ है ट्रैक्टर का चैनल बनाया। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उस पे भी 150K प्लस है, यानी कि 1.5 लाख प्लस। और वेबसाइट जो आपकी है zawarmotors.com और जो है zawarcars.com और zawartractors.com, इस पे कितने लोग आते हैं और जो लोग ऐड लगाते हैं क्या उनकी गाड़ी कितने दिनों में सेल? अल्हम्दुलिल्लाह लाखों विजिटर आते हैं डेली। हालांकि मैं मेरी जो वेबसाइट है उसको मैं खुद हैंडल कर रहा होता हूँ, एक होती है कि पूरा टीम वर्क होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और अच्छा, आप अकेले एडिटर खुद भी करते हैं? नहीं, वीडियो करा लेते हैं, वीडियो एडिटर भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, खुद भी काम कर लेता हूँ, मुझे खुद से काम करने में बहुत मजा आता है। हाँ, और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह वेबसाइट का आपने पूछा है तो लाखों विजिटर आ रहे होते हैं, और जो भी मेरी वेबसाइट zawarcars.com पर कोई अपनी गाड़ी का ऐड पोस्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं, लाहौर सिटी, इस्लामाबाद, कराची से, अदरवाइज पूरे पाकिस्तान से। सो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं उनकी जो लिंक होती है उसको अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैग में, अपने मेरा फेसबुक पेज पर अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये बताइए कि YouTube आपने क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि आपका जो गाड़ियों का काम तो पहले से ही है और आपने YouTube ज्वाइन ही इतने कम अरसे में इतने फॉलोअर्स कैसे बढ़ा लिए अपने? जी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा देखें जी, हर काम का एक मकसद होता है। अगर आपका मकसद है कि मैंने फेल वीडियोस लेकर आनी, व्यू तो आपको मिल जाएंगे, व्यूज तो मिल जाते हैं, आप स्टील जो है फॉर एवर लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक आप काम नहीं कर सकते, लोग आपकी नेचर को समझ रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और अपने उस व्यूअर का जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि लोग कहते हैं जवार भी अगर आपने थंबनेल पर लिख दिया है कि गाड़ी बम्पर टू बम्पर जहान है तो हम जो है यकीन कर लेते हैं, मतलब इतना लोगों को जो है जवार भाई पर ट्रस्ट है जी के जवार पे जब थंबनेल पर लिख देते हैं तो लोग मान जाते हैं जी। गुजरात सिटी से बिलीव मी, मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, वैसे तो बहुत सी स्टोरीज हैं। एक बंदे ने मुझे जो है ना वो पैसे भेजे थे, वो कहता है जवार भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि आपने जब बम्पर टू बम्पर जहरमान दिखा है थंबनेल पर तो 16 लाख रुपए उस गाड़ी की मैंने डिमांड की थी, उसने पूरा सोने भेज दिया था। अच्छा। जब वो आए मैंने उनको भेज दिया, आपके पास आए थे ना? मेरे पास आए थे 16 दिन बाद है, पेमेंट उनकी आ गई। मतलब इतना आप पर लोग यकीन करते हैं, बहुत ज्यादा स्टोरियां हैं अपना भैया, बहुत ज्यादा। मेरा जो ट्रैक्टर का चैनल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फोर्ड ट्रैक्टर जो है, यूरो फोर्ड की एजेंसी है, डीलरशिप है, बिल्कुल एक न्यू चीज, यानी कि मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो लोग फोर्ड को नहीं जानते थे। हालांकि 2012 से वो भी हमारे एरिया में बखर में आपने उसका अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 2012 से फोर्ड था, पूरे पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता था कि पीएम ऑटो इंडस्ट्री जो है वो फोर्ड ट्रैक्टर्स प्रॉपर जो है वो बना रहे हैं। लेकिन जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019-20 में
फोर्ड ट्रैक्टर की वीडियोस डालना शुरू की अपने चैनल्स के थ्रू, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ हमारी डीलरशिप के पूरे पाकिस्तान की डीलरशिप से जो है लोगों ने वो ट्रैक्टर खरीद, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ट्रैक्टर सेल करने में पूरी सेंचुरी बनाई, पूरी सेंचुरी बनाई हमने यूट्यूब के थ्रू, और उसमें 50 प्लस लोगों ने मुझे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ये कराई, 20 दिन बाद उनका ट्रैक्टर उनके जो एड्रेस होता था उन पे पहुंचा। मैंने अक्सर यूं होता है कि ऑनलाइन जो है लोग फ्रॉड कर देते हैं, अगर आप पर लोग इतना बिलीव करते हैं। अब आपका जो काम है वो कैसा जा रहा है, YouTube से पहले कैसे था और अब कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह उसमें देखें जी ग्रोथ हुई है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्ट्रगल भी बहुत है, बहुत ज्यादा इतनी ग्रोथ हुई है कि मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। कराची हम से जो है तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है, कराची से भी आकर लोग कराची से आपके पास आकर और एक सिटी लोग देख रहे हैं, गुजरात टॉप पर है, गुजरात के अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल तक उन्होंने मुझे जो है पैसे सेंड कर दिए, मेरी जो सिस्टर लोग होते हैं वो टॉप पर गुजरात है, सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है वो गुजरात वाले, पता नहीं गुजरात वालों को आपसे मोहब्बत होगी, गुजरात वालों को आपसे मोहब्बत होगी। जी आपने सुनी जवाहर भाई की कहानी की एक यूट्यूब से इतने बड़े यूट्यूबर कैसे बने, इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाजत। काशान अख्तर अल्लाह।